योर वेब पेज, द वेब पेज कंटेन नंबर ऑफ फ्रेम्स आर देयर। फ्रेम का मतलब क्या रहता है कि आप एक ही वेब पेज को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हो। लाइक एज वहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स मतलब जैसे आप अगर आप कोई वेब पेज देखोगे तो एक साइड पे पूरे एक स्क्रॉलिंग विंडो है, एक साइड पे पूरा आपका फॉर्म दिख रहा है, नीचे कोई इमेज है। तो ये क्या रहता है कि अपना जो वेब पेज है वो नंबर ऑफ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है, कि कहीं कुछ जगह पे पिक्चर डिस्प्ले होता है, कुछ जगह पे हमारा वेब पेज का कोई सबमिशन के लिए फॉर्म दिख रहा है, ऊपर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव का कोई इमेज रोल हो रहा है, या फिर फोटोज रोल वन बाय वन अपलोड ये हो रहे, रोलिंग हो रहे। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये रहता है, ये क्या है हमारा टोटल जो वेब पेज है, इट इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ फ्रेम्स। ओके, ऑल फ्रेम्स कंटेन एटलीस्ट थ्री वेब पेजेस। द फर्स्ट फ्रेम सराउंडेड द अदर फ्रेम एंड दिस एंटायर कलेक्शन इज कॉल्ड फ्रेम सेट। जब जो जितने सारे फ्रेम्स हैं वो हम मैक्सिमम तीन पेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्रेम सराउंड द अदर फ्रेम, और क्या रहता है, एक फ्रेम के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, आप एंटायर कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स बना सकते हैं जिसे फ्रेम सेट कहते हैं। ओके, द अदर फ्रेम्स आर विद इन द फ्रेम सेट एंड ईच इज रेफर्ड टू एज अ चाइल्ड। और एक फ्रेम के अंदर अगर हम दूसरा फ्रेम अगर बनाते हैं तो उसको मेन फ्रेम के अंदर अगर दूसरा फ्रेम बनाए तो जो नया फ्रेम क्रिएट होता है उसको चाइल्ड फ्रेम कहा जाता है। ओके, यू कैन गिव ईच चाइल्ड अ यूनिक नेम सो एज यू कैन यूज टू अ पर्टिकुलर फ्रेम नेम टू कॉल। मतलब जैसे अगर हमें कोई नेविगेशन रहता है या फिर हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक का आपने वर्ड सुना होगा। हाइपरलिंक मतलब अभी जैसे हम आपको लेक्चर ज्वाइन करने से पहले एक ब्लू कलर का लिंक आता है गूगल मीट का, तो ये क्या है, एक हाइपरलिंक हुआ जहाँ पे भी आप ब्लू कलर से मतलब कोई भी लिंक को क्लिक करने के बाद वहाँ से नेविगेट होकर आप किसी वेब पेज पे जाते हो या फिर किसी दूसरी जगह पे आप नेविगेट होते हो तो उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। तो एक मेन फ्रेम के अंदर आप अलग अलग फ्रेम्स बना सकते हो, और ये जो मेन फ्रेम से कॉल होता है ना, वो जो फ्रेम रहता है वो पेरेंट, और जो नया कॉल हुआ जो नया फ्रेम हम क्रिएट किया है उसको चाइल्ड फ्रेम कहते हैं। एंड दैट वे हम नंबर ऑफ फ्रेम सेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट अ सिंपल फ्रेम दैट कंटेन टू चाइल्ड विंडोज। अभी यहाँ पे क्या किया है कि एक सिंपल फ्रेम क्रिएट किया है जहाँ पे टू चाइल्ड है, टू चाइल्ड विंडोज मतलब एक मेन फ्रेम के अंदर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब एक टोटल वेब पेज को 50-50 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। द फ्रेम सेट कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉलम्स एंड रोज। ओके, तो जब हम एक वेब पेज को अगर आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है, तो ये वाले जो पार्ट्स है ना, आप इस तरह से भी इस तरह से भी आप से यूज कर सकते हो। लेट्स क्रिएट अ सिंपल फ्रेम दैट कंटेन टू चाइल्ड विंडोज एंड वी विल बिगिन बाय डिवाइडिंग द फ्रेम सेट यूजिंग द फ्रेम सेट। ओके, द फ्रेम सेट कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉलम एंड रोज डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ यूर एप्लीकेशन। तो ये जो पूरा आप फ्रेम सेट मतलब ये जो बनाने वाले हो इसको आप रोज और कॉलम में डिवाइड कर सकते हो, मतलब वेब पेज में आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो इसकी साइज अभी। एंड रोज और कॉलम, रोज डिवाइड द फ्रेम सेट हॉरिजॉन्टली। आपको पता है कि रोज हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है वेब पेज को और कॉलम जो है वो वर्टिकली डिवाइड करता है, तो कॉलम और रोज की साइज देके भी आप उसको उसके वेब पेजेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट अपीयर इन अ फ्रेम सेट इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू, मतलब जो भी आप वैल्यू दोगे उस हिसाब से वो डिवाइड होगा, या फिर आप विड्थ एंड हाइट, अगर आप डायरेक्टली 50 वाले वो फ्रेम नंबर ऊपर वाले वेब पेज को देना है, नीचे वाला पार्ट जो है वो नीचे वाले मतलब ऊपर वाले पार्ट में अलग से वेब पेज ओपन होगा, सेकंड वाले पार्ट में अलग ओपन होगा, तो अगर आपको 50-50% करना है तो आप डायरेक्टली 50% देके भी उसको डिवाइड कर सकते हो। अभी उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे ये देखो, फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू ऊपर के पेज पे है,
फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 50% एंड 50%। तो यहाँ पे फ्रेम सेट क्रिएट किया है, फ्रेम सेट मतलब एक से ज्यादा जहाँ पे फ्रेम होंगे वो फ्रेम सेट कहा जाता है, और उसको रोज के बेसिस पे मतलब हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है। अगर आपको वर्टिकली डिवाइड करना है ना, वर्टिकली मतलब जो कॉलम वाइज अगर आपको डिवाइड करना है तो रोज की जगह पे आप कॉलम यूज करोगे, और रोज मतलब आपको हॉरिजॉन्टली पेज को अगर डिवाइड करना है तो वहां पे आप रोज वाला वर्ड यूज करोगे। उसका प्रोग्राम देखते हैं, नीचे प्रोग्राम दिया है। नेक्स्ट पेज यहाँ पे देखो, अभी आप जब फ्रेम क्रिएट करते हो तो फ्रेम क्रिएट करते थोड़ा सा ऊपर, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यू वॉन्ट वेब पेज 1.html टू अपीयर एज द टॉप चाइल्ड विंडो, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट में वेब पेज 1 डिस्प्ले करना है, एंड नीचे वाले पार्ट में हमें वेब पेज 2.html डिस्प्ले करना है। तो वहाँ पे जो सोर्स लगेगा src दिया है वहाँ पे फ्रेम src वेब पेज 1.html, तो html में जो हमने वेब पेज 1 बना के रखा होगा उसका डायरेक्टली लिंक असाइन करके उसका नेम, नेम मतलब हम थ्रू आउट द कोडिंग अगर कोई तो यूज करना है आपको उसके लिए तो टॉप पेज वर्ड यूज किया है। सेम वे आप बॉटम वाले पेज के लिए वेब पेज 2.html करोगे और नेम इज इक्वल टू बॉटम पेज। इस तरह से आप वहाँ पे फ्रेम सेट से उसका नाम सेट कर सकते हो। अभी प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे देखो हेड टाइटल क्रिएट अ फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका टाइटल उस फॉर्म का टाइटल आएगा क्रिएट अ फ्रेम। फ्रेम सेट को अभी क्या किया है, रो वाइज मतलब हॉरिजॉन्टली वेब पेज को उस फ्रेम सेट को हम 50-50% और रोज असाइन किए, 50% वेब पेज 1 के लिए, 50% वेब पेज 2 के लिए, और उसको डिवाइड किया है। और यहाँ पे दोनों वेब पेज के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेम src वेब पेज 1.html एंड नेम इज इक्वल टू टॉप पेज, तो ये ऊपर वाले पार्ट को नाम असाइन होगा, एंड फ्रेम src वेब पेज 2.html नेम बॉटम पेज ये आपका सेकेंड पेज के लिए नाम असाइन होगा। ओके तो ये रहा आपका फ्रेम सेट। नीचे ये देखो यहाँ पे अभी वेब पेज 1 का कोडिंग दिया है कि वेब मतलब एक बटन दिया है और उस बटन पे आपका वेब पेज 1 करके डिस्प्ले होने वाला है, और सेम जो कोडिंग है ना वो वेब पेज 2 के लिए भी किया है। नेक्स्ट पेज ये देखो, इसके नीचे सेकंड इसका कोडिंग है, सेकंड वेब पेज 2 के लिए भी सेम कोडिंग किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल जो फॉर्म है उसको दो पार्ट में मतलब 50-50% रोज और 50% रोज में डिवाइड किया है, वेब पेज 1 और वेब पेज 2, और दोनों के वेब पेज 1 और 2 के लिए दोनों के लिए हमने एक बटन बटन यूज किया है जहाँ पे वो डिस्प्ले क्या कर रहा है, वेब पेज 1 एंड वेब पेज 2। तो एक सिंपल सा फ्रेम सेट किया है कि आप इस तरह से जब भी आप प्रोग्राम यूज करते हो तो प्रोग्राम जब आप बनाते हो तो प्रोग्राम बनाते समय अगर आपको एक से ज्यादा अगर उसमें ये यूज करना है मतलब फ्रेम्स यूज करना है कि दिस वन इज द डिफरेंट पार्ट, तो आप अलग अलग HTML पहले से क्रिएट करके रखोगे और अलग अलग HTML पेजेस को हमें क्या करना है जावास्क्रिप्ट में एक एक फ्रेम में उसका लिंक असाइन कर देना है, तो वो HTML पेज आपके जावास्क्रिप्ट में वन बाय वन मतलब हॉरिजॉन्टली जितना पार्ट आप अगर आपको लगता है, देखो आपको सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड के लिए छोटा सा विंडो लगेगा तो उतने पार्ट के लिए आप 50-50% डिवाइड करने से अच्छा है आप 20-20% वाला विंडो बनाओगे वहां पे। तो यूजर नेम और पासवर्ड का छोटा विंडो रहेगा तो उसका फ्रेम का साइज 20% 20% में डिवाइड करना है। उसके बाद फॉर्म बहुत बड़ा रहता है तो उसको 60-60% मतलब आप अलग अलग रोज और कॉलम के हिसाब से वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो, एक से ज्यादा आप फ्रेम्स रख सकते हो, तो ये रहेगा आपका फ्रेम सेट। तो आउटपुट आपका जब ये प्रोग्राम रन करोगे तो इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट ये नीचे वाला जो कोडिंग है वो वेब पेज 2 के लिए है, जैसे जो एक्शन इवेंट था मैंने आपको बताया कि वेब पेज 2
वैल्यू भी उसका वेब पेज टू हो एंड टाइप इज इक्वल टू बटन। तो एक बटन क्रिएट किया है और उसके ऊपर वेब पेज टू डिस्प्ले होगा। और आपको पता है कि जैसे ये फॉर्म की बॉडी ये फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा, तो फॉर्म का पहले ओपनिंग था और फॉर्म का क्लोजिंग आया है बैक स्लैश से, उसके बाद बॉडी। तो ये कोडिंग है, बॉडी के अंदर ही आएगा। तो बॉडी का ओपनिंग, बॉडी का क्लोजिंग और HTML पार्ट है, दैट्स वाई HTML ओपनिंग एंड HTML क्लोजिंग। नेक्स्ट इज इनविजिबल बॉर्डर। अगर हमें क्या करना है कि दो वेब पेज बनाने हैं लेकिन उसके बीच में जो लाइन्स आती है ना, अभी यहाँ पे वेब पेज वन और वेब पेज टू के अंदर एक लाइन आया था, आपने देखा क्या फॉर्म अच्छे से, तो वो लाइन अगर हमें इनविजिबल करना है, इनविजिबल मतलब उन दो अलग अलग वेब पेज है लेकिन वो दिखने नहीं चाहिए कि ये दो अलग अलग वेब पेज है, उसमें का जो लाइन है ना, डिविजन जो हो रहा है वो वाला वो लाइन वहां से हटाना है, तो उसके लिए हम इनविजिबल बॉर्डर यूज करते हैं। और इनविजिबल बॉर्डर के लिए क्या करते हैं, उसका फ्रेम बॉर्डर को जीरो कर देते हैं एंड बॉर्डर इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेम का जो बॉर्डर है, टोटल फ्रेम का बॉर्डर, उसको भी जीरो कर देंगे और बॉर्डर वो पर्टिकुलर वेब पेज का जो बॉर्डर है उसको भी जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे वही किया है, द बॉर्डर कैन बी हिडन बाय सेटिंग द फ्रेम बॉर्डर एंड बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर उस फ्रेम का जो बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर और बॉर्डर, ये जो टू एट्रीब्यूट्स है इसको जीरो सेट कर देंगे। जीरो जैसे ही सेट कर दिया आपने, तो उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब जो आउटलाइन दिखते हैं ना हमें, वो वाला आउटर लाइन वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। उसके लिए एक एग्जांपल दिया है, नीचे देखो आप, नीचे चेक करोगे तो यहाँ पे सेम वही है, ऊपर वाला ही प्रोग्राम है, बस ऊपर वाले प्रोग्राम में देखो क्या चेंजेस है। ऊपर वाले प्रोग्राम में हमारा फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 50% 50%। अभी यहाँ पे भी दो वेब पेज बना रहे हैं, वेब पेज वन एंड वेब पेज टू, एंड वेब पेज वन और वेब पेज टू के लिए 50-50% हम टोटल साइज को डिवाइड कर रहे हैं, टोटल जो विंडोज की साइज है उसको 50-50% में डिवाइड कर रहे हैं, रो वाइज नॉट कॉलम वाइज। कॉलम वाइज किया होता ना तो वर्टिकल लाइन आती, रो वाइज किया इसलिए उनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करा है, मतलब वो हॉरिजॉन्टली वेब पेज डिवाइड हो रहे हैं। ओके, कॉलम वाइज करना है तो आप वर्टिकली वहाँ पे डिवाइड होगा। तो उसके बाद क्या करना है, फ्रेम एस आर सी वेब पेज वन डॉट एच टी एम एल, ये वेब पेज वन का जो एच टी एम एल है जिसका नाम टॉप पेज है, उसका फ्रेम बॉर्डर हमें जीरो करना है और बॉर्डर भी जीरो करना है, मतलब उसका एक्चुअल, उस फ्रेम का एक्चुअल बॉर्डर भी जीरो करना है और वो टोटल विंडो, विंडो का जो फ्रेम बॉर्डर है उसको भी जीरो करना है। सेम फॉर द फ्रेम एस आर सी वेब पेज टू, वेब पेज टू डॉट एच टी एम एल के लिए भी मैंने उसको नेम उसका रीनेम किया था बॉटम पेज, और बॉटम पेज का भी मैं बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर और बॉर्डर को जीरो कर रही हूँ। तो ये वाला कोडिंग जब आप रन करोगे तो उसका आउटपुट नीचे जैसे विंडो दिख रहा है वैसे डिस्प्ले होगा, सीधा आउटपुट ये देखो, ये विंडो लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया था रन, उसमें क्या था, लाइन था, आपने चेक किया था क्या, एक बार पिछले वाले का आउटपुट देखते हैं, ये देखो वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड है, दैट्स व्हाई ये रो वाइज डिवाइड है, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल लाइन इज देयर, कॉलम वाइज डिवाइड होते तो वर्टिकल लाइन था। हमें क्या करना है, उनके बीच में जो ये लाइन है ना इसको हमें इनविजिबल करना था। तो ये वाला नीचे वाला प्रोग्राम रन करने के बाद आंसर क्या आया हमारा, ये जो बीच में का जो लाइन था ये हमारा एबसेंट हो गया, इनविजिबल हो गया। मतलब यहाँ पे दो वेब पेज है लेकिन हमें वो विजिबल, मतलब विजुअल जब हम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे अलग अलग पार्ट ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे लगेगा कि ये पूरे एक ही विंडो का, एक ही वेब पेज का पार्ट है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट। कॉलिंग अ चाइल्ड विंडो जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अभी हम अगर किसी चाइल्ड विंडो जावास्क्रिप्ट को अगर कॉल करना है तो उसके लिए आप विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल कर सकते हो। नाउ दैट यू हैव रिफ्रेश योर मेमोरी ऑन हाउ टू क्रिएट अ फ्रेम सेट। अभी हमारा इतना माइंड सेट बन गया है कि हमें फ्रेम सेट कैसे क्रिएट करना है, फ्रेम सेट को 50-50% डिवाइड करना है और उस जो वेब पेज का नाम है वो वेब पेज HTML1 डॉट ऐसे ऑलरेडी अगर वहाँ पे वेब पेज होगा तो वो वहाँ पे ओपन करना है सिर्फ। एंड तो वेब पेज वन डॉट एच टी एम एल इस तरह से हमें नाम देना है, ठीक है, और वेब पेज वन के बाद ऊपर वाले पार्ट को टॉप पेज दिया था और नीचे वाले पार्ट को बॉटम पेज दिया था।
अभी हमें क्या करना है कि जैसे मैंने बताया था कि एक फ्रेम के अंदर हम दूसरा फ्रेम कॉल कर सकते हैं, तो मेन फ्रेम को पेरेंट फ्रेम का आ जाता है और जिस फ्रेम को कॉल किया है उसको चाइल्ड फ्रेम का आ जाता है। तो आप मेन फ्रेम से चाइल्ड फ्रेम को कैसे कॉल कर सकते हो? तो उसके लिए दिया है, यू कैन रेफर टू अनदर चाइल्ड विंडो बाय रेफरेंसिंग द फ्रेम सेट विच इज द पेरेंट विंडो। पेरेंट विंडो से हम उसको रेफर कर सकते हैं, तो रेफर करने के लिए हमें क्या करें, रेफरेंसिंग के लिए हमें उस चाइल्ड विंडो का हमें नाम असाइन करना पड़ेगा। लाइकवाइज अभी यहाँ पे देखो, एक वेब पेज 1.html टू इंक्लूड द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो वेब पेज 1.html में हमें ये वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा। अभी इस फंक्शन में क्या किया है, ये वाला जो पार्ट है ये HTML के कोडिंग में आएगा आपका, वेब पेज 1.html के। तो वहाँ पे हेड दिया है, टाइटल दिया है वेब पेज 1, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। फंक्शन क्या है, चेंज कंटेंट, ये वाला फंक्शन है, दैट्स व्हाई हियर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, चेंज कंटेंट एंड उसके ओपनिंग ब्रैकेट में दिया है अलर्ट फंक्शन कॉल्ड। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक सैंपल प्रोग्राम बनाना था, इसलिए सिर्फ यहाँ पे अलर्ट बॉक्स दे के उसको फंक्शन को कॉल किया, ऐसे हम मैसेज प्रिंट करेंगे। मतलब हमारा पेरेंट फ्रेम से चाइल्ड विंडो कॉल हुआ, सिर्फ हमें इतना ही चेक करना था। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया कि एक फंक्शन को कॉल किया है। ओके, वी आल्सो मॉडिफाई द वेब पेज 2.html। वेब पेज 2.html को भी सेम वे हम इस तरह से, अगर थोड़ा सा कोड उसमें ऐड करेंगे चेंज कंटेंट वाला, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट HTML, जावास्क्रिप्ट के बाद हम फंक्शन चेंज कंटेंट करके एक एक फंक्शन कॉल करेंगे एंड अलर्ट बॉक्स में प्रिंट होगा फंक्शन कॉल्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो नीचे इनपुट नेम इज इक्वल टू वेब पेज 2, वैल्यू भी उसका वेब पेज 2 है, और बटन के क्लिक इवेंट पे दिया है कि पेरेंट डॉट टॉप पेज चेंज कंटेंट। तो टाइप में क्या दिया है कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा वेब पेज 2 के, वो क्या करेगा, पेरेंट डॉट टॉप पेज चेंज कंटेंट ये वाले फंक्शन को वो कॉल करेगा। तो ये क्या किया है कि ऑलरेडी वेब पेज 1 में जो कोडिंग था, फंक्शन था, उसको विद द हेल्प ऑफ वेब पेज 2 उसको कॉल किया है। वेब पेज 2 में एक बटन रहेगा, उस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, बॉटम चाइल्ड विंडो क्या करेगा, ब्राउजर जैसे ही बॉटम चाइल्ड विंडो पे आएगा तो वो ऊपर वाला जो चेंज कंटेंट को ऑलरेडी कोडिंग लिखा है आपने वेब पेज 1 में, उसको कॉल करेगा और आपके सामने सिंपल एक अलर्ट बॉक्स आएगा। अलर्ट बॉक्स मतलब मैसेज बॉक्स के जैसे एक बॉक्स आएगा जहाँ पे लिखा रहेगा सिर्फ फंक्शन कॉल्ड। तो इससे हमारा इतना वेरीफाई हो जाता है कि हम मेन पेरेंट फ्रेम से हम चाइल्ड फ्रेम को कॉल किया, और कॉल किया मतलब फंक्शन अगर कॉल हुआ तो समझ लो कि आपका फ्रेम 2 अभी वहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। When the web page 2 button is clicked in the bottom child window, the browser call the change content function defined in the top child window. तो ये क्या, हमने फिर से कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको भी हम सेकेंड HTML पेज से कॉल कर सकते हैं। To call a JavaScript function in different frame, both pages have to be sourced from the same domain. Otherwise, the browser throw a security alert. और अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है, इन डिफरेंट फ्रेम्स, अलग अलग फ्रेम्स में फंक्शन है, बोथ पेजेस हैव टू बी सोर्स फ्रॉम द सेम डोमेन। तो जब हम उसका कॉल करेंगे तो उसका डोमेन जो रहेगा वो सेम रहना चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अगर डोमेन रहेगा तो वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट करके मैसेज आ सकता है। दैट्स वाई उसमें एक दिया है नीचे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन इज इक्वल टू JIMKEOGH, तो ये वाला उसका डोमेन नेम था। तो हमें क्या करना है कि जब हम अलग अलग फ्रेम सेट में फंक्शन कॉल करेंगे, लेकिन अलग अलग फ्रेम सेट से कॉल किए हुए सारे जो फंक्शन है वो आपके विद इन वन सिंगल डोमेन होने चाहिए, ना कि दूसरे डोमेन के फंक्शन आप वहाँ पे कॉल करोगे। जैसे ही कॉल, अगर आपने कोई दूसरे डोमेन का फंक्शन कॉल किया, मतलब कोडिंग दूसरे डोमेन से है और मेन आपका डोमेन अलग है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट आ सकता है, मतलब मैसेज आएगा, वार्निंग आएगा कि आप दूसरे दूसरे फ्रेम के मतलब कॉपीराइट कंटेंट्स को यूज करें, इस तरह से कुछ रहेगा मैसेज। ओके, इफ यू डोंट डू इट लाइक दिस यू विल गेट अ सिक्योरिटी अलर्ट। और आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्या आएगा, सिक्योरिटी अलर्ट आएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे। नेक्स्ट,
ये देखो, मैंने बोला था आपको कि आप मेन पेरेंट फ्रेम से आप चाइल्ड फ्रेम को कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे वही किया है कि एक बटन लिया था और उस बटन के क्लिक इवेंट पे क्या दिया था, फंक्शन कॉल्ड। तो आप वेब पेज टू में भी अगर आपने कोई बटन को क्लिक किया तो भी आपका कौन सा फंक्शन कॉल्ड होगा, जो फंक्शन आपने वेब पेज 1.html में लिखा था, और उसमें ये अलर्ट बॉक्स है, ये जो ऐसे विंडो आता है ना, मैसेज विंडो, इसको अलर्ट अलर्ट मैसेज बॉक्स कहते हैं, अलर्ट बॉक्स कहते हैं। ये अलर्ट बॉक्स में आपका सिर्फ इतना, हमें एक सैंपल टेस्ट करना था कि चाइल्ड कॉल होता है या नहीं, तो उसके लिए फंक्शन कॉल्ड इतना ही हमने सैंपल प्रोग्राम में बनाया। आप चाइल्ड विंडो में जो भी आपको कोडिंग चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ना नेविगेशन, कि अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड अगर करेक्ट रखा तो आपके सामने आता है कि इनबॉक्स आ जाता है, तो आपको क्या करना है कि चाइल्ड विंडो में आप उसका इनबॉक्स खोलोगे, मतलब आप दूसरे विंडो में क्या करोगे, यूजर आईडी और पासवर्ड अगर किसी यूजर का मैच हो गया तो उसका इनबॉक्स उसके सामने आएगा। तो ये वाला कोडिंग आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बड़ा वाला कोडिंग नहीं लिखा है, सिर्फ सैंपल दिया है कि फर्स्ट पेरेंट विंडो से चाइल्ड विंडो को कॉल किया है। नेक्स्ट, चेंजिंग द कंटेंट ऑफ अ चाइल्ड विंडो। अभी हमें अगर चाइल्ड विंडो के कंटेंट चेंज करने हैं, यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ अ चाइल्ड विंडो फ्रॉम अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बाय मॉडिफाइंग द सोर्स वेब पेज फॉर द चाइल्ड विंडो। तो आप क्या कर सकते हो कि उसके कंटेंट मॉडिफाई कर सकते हो, सिर्फ हमें क्या करना है कि चाइल्ड विंडो के कंटेंट्स को, हमें सोर्स को, उसका सोर्स जहाँ से वो डेटा ले रहा है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। टू डू दिस यू मस्ट असाइन द न्यू सोर्स टू द चाइल्ड विंडो HREF, हाइपर रेफरेंस जो होता है एट्रीब्यूट। इन दिस एग्जाम्पल यू आर एबल टू गेट अ रेफरेंस टू द पेरेंट्स फ्रेम टॉप पेज एलिमेंट बिकॉज दे आर बोथ फ्रॉम द सेम डोमेन। एट दैट पॉइंट यू हैव टू ऑप्शन, इफ दे आर इन द सेम डोमेन यू रेफरेंस इट एज इलिस्ट्रेटेड प्रीवियसली। अभी देखो क्या होगा, एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे लेट्स डू दिस एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे क्या करना है कि सेम फ्रेम सेट जो रहता है ना, लाइक एज जो भी आपका पेरेंट विंडो का जो के कंटेंट्स है उसको भी आपको चाइल्ड विंडो में के साथ अगर कॉल करना है तो आप हाइपर रेफरेंस, उसका रेफरेंस लिंक देके उस पेज को आप ओपन कर सकते हो, लेकिन विद इन द सेम डोमेन होने चाहिए। वी विल नीड टू मॉडिफाई बोथ द वेब पेज 1.html एंड वेब पेज 2.html फाइल्स। इन एडिशन वी विल नीड टू डिफाइन अ न्यू वेब पेज कॉल्ड वेब पेज 3.html। हियर इज द न्यू वेब पेज 1.html अपीयर इन द बॉटम साइड विंडो। ओके, एंड व्हेन द वेब पेज 1 बटन इज क्लिक द कंटेंट ऑफ द टॉप चाइल्ड नेक्स्ट विंडो चेंजेस फ्रॉम वेब पेज 2 HTML टू वेब पेज 3 HTML। अभी यहाँ पे कंटेंट चेंज किए है, चेंज कैसे किए है वो देखना है अभी। ऑलरेडी हमारे पास वेब पेज 1.html था और दूसरा हमने वेब पेज 2 बनाया था, तो इस प्रोग्राम में क्या किया है वही देखो। अभी हेड देन टाइटल में वेब पेज 1 टाइटल आएगा आपका, उसका स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, टाइप आपका टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आपने हमने एक फंक्शन, एक सैम्पल फंक्शन कॉल किया था कि फंक्शन चेंज कंटेंट पेरेंट डॉट टॉप पेज लोकेशन डॉट HREF हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू वेब पेज 3.html। अभी मैंने क्या किया, मेरा पेरेंट फ्रेम कौन सा है, वेब पेज 1.html, मुझे वेब पेज 1.html से वेब पेज 3.html कॉल करना है, वो दूसरा है HTML पेज है। अभी उसको कॉल करना जो है ना, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ कि चेंज कंटेंट। हमें क्या करने हैं कि जो मेन पेज पे, जो जो वेब पेज पे अभी करंटली आपके सामने जो स्क्रीन के कंटेंट्स है उसको चेंज करने पड़ेंगे। तो कंटेंट चेंज करने के लिए हमने क्या किया, पेरेंट वाले फ्रेम से, जो पेरेंट फ्रेम का नाम क्या था, टॉप पेज, वेब पेज 1 का नाम क्या था, हमने टॉप पेज रखा था, उस लोकेशन से हमें रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस लिंक कौन सा डाला है, हाइपर लिंक। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लू कलर की लिंक रहती है जिसको हाइपर लिंक आप बोलते हो, वैसे ही यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दिया है कि उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो वेब पेज 3 की तरफ चला जाएगा। तो सेम वे वही किया है यहाँ पे, और जब आप ये करोगे तो उसके लिए एक मेथड जो है बटन ऑन बटन की क्लिक इवेंट पे किया है, तो नीचे वाला पार्ट आप चेक करोगे तो यहाँ पे इनपुट ने वेब पेज 1 ही है, उसका वैल्यू वेब पेज 1 ही है, और उसके बटन के क्लिक इवेंट पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज कंटेंट वाला फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो वेब पेज 1 में हमारा एक बटन होगा, जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे हाइपरलिंक होंगे, मतलब कहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ नेविगेट होंगे, वेब पेज 3 की तरफ।
वी मॉडिफाइड वेब पेज 1.html इन टू वेज। अभी हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग तरीके से वेब पेज 1 के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक है चेंज कंटेंट फंक्शन से हम कर सकते हैं। तो चेंज कंटेंट ये वाला फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज किया था। तो ओरिजिनल HRF हाइपर रेफरेंस वाज वेब पेज 2 HTML व्हिच इज डिफाइंड व्हेन वी क्रिएटेड द फ्रेम सेट। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि वेब पेज 2 जो HTML है व्हिच डिस्प्ले अ बटन ऑन द स्क्रीन कॉल्ड अ वेब पेज 2 व्हेन द फ्रेम सेट इज फर्स्ट शोन ऑन द स्क्रीन। तो हमें क्या करना है, वेब पेज 2 HTML इज रिमूव वंस द बटन ऑन वेब पेज 1.html इज स्क्रीन। तो क्या होगा ये वाले पार्ट में क्या करते हैं हम कि जैसे आपको पता है हाइपरलिंक, अभी मैंने हाइपरलिंक वाला जो कोडिंग लिखा है वो किसके लिए लिखा है, वेब पेज 1 में लिखा है सिर्फ। और वेब पेज 1 के क्लिक इवेंट पे हमें क्या हो रहा है, वेब पेज 3 ओपन होने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे ही वेब पेज 3 ओपन होगा तो वेब पेज 2 भी जो नीचे वाला पार्ट था ना, वेब पेज 1 और 2, देखो हमारा टोटल विंडो दो पार्ट में डिवाइड है, वेब पेज 1 और 2। 1 से हमने कॉल किया फंक्शन, वो फंक्शन जाएगा वेब पेज 3 की तरफ, लेकिन वेब पेज 2 में हमने कोई भी फंक्शन कॉल नहीं किया है। हमें क्या करना है कि जैसे ही वेब पेज 1 वेब पेज 3 की तरफ जाएगा तो वेब पेज 2 भी वहां से रिमूव होना चाहिए, मतलब वेब पेज 2 हमारे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। जैसे ही वेब पेज 1 हटा तो वेब पेज 2 भी हटना चाहिए, सिर्फ हमारे स्क्रीन पे वेब पेज 3 डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, नीचे ये देखो ये वेब पेज 2 का टाइटल जो है उसके अंदर कोडिंग करना पड़ेगा हमें कि फॉर्म एक्शन ये वाला एक दिया है कि वेब पेज 2 जो है उसके बटन इवेंट पे क्या करना है, एक बटन जो है ना नीचे लो थोड़ा सा, ये देखो ये उसमें एक बटन उसके बॉडी के अंदर एक बटन ये किया है। और जैसे ही ये बटन क्लिक होगा तो हमें क्या करना है, ये वेब पेज 2 क्या करेगा, वेब पेज 3 को ओपन करेगा और वेब पेज 3 के की तरफ उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये वेब पेज 3 का कोडिंग दिया है कि वेब पेज 3 में भी हमने सेम वही किया है कि वेब पेज 3 आउटपुट देखो उसका, आउटपुट चेक करो। ठीक है, तो अगर आपको वेब पेज 2 को अगर रिमूव करना है ना, तो वेब पेज 2 को अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले देखो इस तरह से आउटपुट आएगा। और हमें क्या करना है कि इस तरह से आउटपुट नहीं दे चाहिए था वेब पेज 2 और वेब पेज 3, मतलब सिर्फ वेब पेज 1 ने वेब पेज 3 को कॉल किया है, वेब पेज 2 एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए नीचे एक दिया है, तो हमें क्या करना है कि टोटल जो वेब पेज 1 का जो कंटेंट है ना, यहाँ पे आंसर नहीं दिया उसका, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वेब पेज 2 3 जब कॉल होगा आपका, तो वेब पेज 3 जब कॉल होगा तो उस टाइम पे हमें वेब पेज 2 का जो रोज डिवाइड किए है ना, वो रोज डिवाइड किए हुए जो 50-50% है वो वाला पार्ट हमें वहां से हटा के 100% सिर्फ वेब पेज 3 के लिए असाइन करना पड़ेगा। और जब वो फंक्शन कॉल होगा तो उसका जो फ्रेम सेट है ना वो टोटल पूरा विंडो सिर्फ वेब पेज 3 के लिए असाइन होगा। तो यहाँ पे आप जो रोज हमने 50-50% में डिवाइड किए थे, तो जब आपका जैसे क्लिक इवेंट आएगा ना तो वहाँ पे वेब पेज 3 के लिए टोटल रोज 100% जो रोज है वो टोटल फ्रेम सेट के रोज हम सिर्फ वेब पेज 3.html के लिए असाइन करेंगे। नाउ चेंजिंग द फोकस ऑफ अ चाइल्ड विंडो। द लास्ट चाइल्ड विंडो दैट इज क्रिएटेड हैज द फोकस बाय डिफॉल्ट। जो लास्ट चाइल्ड विंडो होगा उसकी तरफ फोकस रहता है बाय डिफॉल्ट। हाउएवर यू कैन गिव एनी चाइल्ड विंडो द फोकस बाय चेंजिंग द फोकस आफ्टर ऑल द वेब पेजेस हैव लोडेड इन देयर करस्पॉन्डिंग चाइल्ड विंडो। तो आप फोकस सेट कर सकते हो। सेट कैसे कर सकते हो, अभी देखो कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाला चाइल्ड विंडो है ना उसकी तरफ फोकस रहता है बाय डिफॉल्ट जब हम पेज लोड करते हैं तो। You do this by calling the focus method of a child window and where the focus is being given to the web page that appear in the bottom page child window. You can call the focus method from JavaScript function and directly in response to the event such as on click event, the reference to parent.bottom page is needed to get
पास द सिक्योरिटी इश्यूज। तो अब देखो यहाँ पे हमने पहले क्या किया कि फ्रेम वन का चाइल्ड विंडो बनाया है फ्रेम थ्री, वेब पेज वन का चाइल्ड विंडो बनाया है वेब पेज थ्री, और हमारा वेब पेज टू भी था। तो हम क्या करेंगे, बॉटम पेज की तरफ अगर हमें फोकस सेट करना है, मतलब हमारा फोकस क्या था, टॉप पेज जो था हमारा वेब पेज वन जो था वो पेरेंट फ्रेम था और वेब पेज थ्री हमारा चाइल्ड था, तो बाय डिफॉल्ट हमारा कहाँ पे रहेगा, बाय डिफॉल्ट हमारा फोकस रहेगा वेब पेज थ्री की तरफ। लेकिन हमें क्या करना है कि वेब पेज टू जो है बॉटम पेज है उसकी तरफ अगर हमें सेट करना है, फोकस सेट करना है, या फिर आप है ना उसका नाम अलग लिख के भी आप फोकस सेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है पेरेंट डॉट बॉटम पेज डॉट फोकस, तो पेरेंट मतलब क्या है कि बॉटम वाला जो पेज है वो पेरेंट पेज है, वो पेरेंट पेज डॉट बॉटम पेज, बॉटम पेज का जो पेरेंट है उसकी तरफ हमें फोकस को सेट करना है। आप यहाँ पे अलग अलग चीजें लिख के भी उसको सेट कर सकते हो, पेरेंट डॉट टॉप पेज डॉट फोकस, तो टॉप पेज का जो पेरेंट है उसकी तरफ आप फोकस सेट कर सकते हो, या फिर आप चाइल्ड की तरफ सेट कर सकते हो। इस तरह से आप फोकस अलग अलग चाइल्ड की तरफ या पेरेंट की तरफ उसका फोकस सेट कर सकते हो। फोकस सेट करना मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट वो वाला विंडो जो है वो स्क्रीन पे जब आप सारे वेब पेजेस जब लोड हो जाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट वो वाले विंडोज आपके सामने डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग टू चाइल्ड विंडो फ्रॉम अ जावास्क्रिप्ट। अभी चाइल्ड विंडो के ऊपर हम क्या क्या लिख सकते हैं, टिपिकली द कंटेंट ऑफ अ चाइल्ड विंडो इज अ वेब पेज दैट एग्जिस्ट ऑन द वेब सर्वर, यू कैन डायनामिकली क्रिएट द कंटेंट व्हेन यू डिफाइन द फ्रेम सेट बाय डायरेक्टली राइटिंग टू द चाइल्ड विंडो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। जैसे आपको पता है कि एक ही डोमेन रहता है और वेब पेज में जो भी आप डेटाबेस यूज करोगे वो भी कॉमन रहता है, तो वेब सर्वर से हम क्या कर सकते हैं कि डायनामिकली यू कैन क्रिएट द कंटेंट्स व्हेन यू डिफाइन द फ्रेम सेट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मस्ट बी डिफाइन इन एचटीएमएल फाइल दैट डिफाइन द फ्रेम सेट एंड कॉल्ड व्हेन द फ्रेम सेट इज लोडेड। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये देखो चाइल्ड वाले विंडो के अंदर हम राइटिंग कर रहे हैं, तो चाइल्ड विंडो कैसे राइट होगा, यहाँ पे एक टाइटल दिया है क्रिएट अ फ्रेम, हमने एक फ्रेम क्रिएट किया है जिसका स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, टाइप टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट है, फंक्शन यहाँ पे कॉल किया था चेंज कंटेंट। जैसे आपको पता है कि चाइल्ड विंडो जब भी कॉल होता है तो हम फंक्शन के थ्रू उसको कॉल करते हैं, द फंक्शन नेम इज चेंज कंटेंट, यहाँ पे आपका चाइल्ड विंडो कॉल होगा। एंड विंडो डॉट टॉप पेज डॉट डॉक्यूमेंट ओपन, तो यहाँ पे टॉप पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन किया है, फिर टॉप पेज वाले डॉक्यूमेंट में हम राइटिंग करें, राइट इन वाला एक मेथड है, तो टॉप पेज के डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या राइट कर रहे हैं, हेडर पार्ट है, तो यहाँ पे हम लिखोगे विंडो डॉट टॉप पेज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन हेड, विंडो डॉट टॉप पेज डॉक्यूमेंट राइट इन में लिखा है वेब पेज थ्री, विंडो डॉट टॉप पेज डॉक्यूमेंट राइट इन हेड, तो हेड में सबसे पहले आपका वेब पेज थ्री आएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे विंडो डॉट टॉप पेज डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन बॉडी, तो ये क्या है, टॉप पेज के डॉक्यूमेंट में हम सबसे पहले उसको ओपन किया, फिर राइट इन से हमने क्या किया है उसमें हेडर वाले पार्ट में लिखा है वेब पेज थ्री लिखा है उसके अंदर, और उसकी बॉडी के अंदर एक एक्शन मतलब एक एक्शन परफॉर्म करें जिसमें हम क्या करें एक बटन लिख रहे हैं, और इस बटन के क्लिक इवेंट पे हमारे सामने वेब पेज थ्री का जो डॉक्यूमेंट है वो वाला, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड विंडो वाले डॉक्यूमेंट को लोड करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी लिखा है विंडो डॉट टॉप पेज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन बॉडी, बॉडी के अंदर हमने क्या कोडिंग किया है कि यहाँ पे एक पोस्ट मेथड है और जिसमें हम क्या कॉल कर रहे हैं टाइप के एक बटन को टाइप मतलब एक बटन के क्लिक इवेंट पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि विंडो डॉट टॉप पेज डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन स्लैश पी पैराग्राफ, विंडो डॉट टॉप पेज डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन स्लैश फॉर्म, एंड विंडो डॉट टॉप पेज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन स्लैश बॉडी।
तो हम बॉडी को क्लोज किया है, फॉर्म को क्लोज किया है और पैराग्राफ को क्लोज किया है. नेक्स्ट. और सारे अगर डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट्स लिखने के बाद उसको क्लोज किया है. और नीचे मैंने क्या किया है कि फ्रेम सेट रो इज इक्वल टू 50-50%. तो 50-50% मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया है. एंड ऑन लोड चेंज कंटेंट वाला फंक्शन को कॉल किया है. तो ये वाला चेंज फंक्शन, चेंज कंटेंट वाला फंक्शन आपका जब लोड होगा तो उस टाइम पे ये फंक्शन कॉल होगा. तो फ्रेम एसआरसी वेब पेज 1.html जिसको टॉप पेज नाम दिया है, फ्रेम एसआरसी 2.html नेम इज इक्वल टू बॉटम पेज. तो ऑलरेडी हमने जो फ्रेम सेट क्रिएट किए थे वही वाला कोडिंग है यहाँ पे भी, कि फ्रेम के दो 50-50% जो रोज है हमने डिवाइड किए वेब पेज 1 और वेब पेज 2 के लिए. और जैसे ही आपका वेब पेज ये वाले फ्रेम सेट लोड होगा तो चेंज कंटेंट के जैसे ही हम उसको उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाले जो कंटेंट्स है ये आपके सामने ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट आपका रन होगा. तो यहाँ पे आप वेब पेज 3 के अंदर ये मतलब जैसे ही आपके कंटेंट्स मैंने आपको बोला था कि वेब पेज 3 चाइल्ड विंडो अगर ओपन करना है तो चाइल्ड विंडो ओपन करने के लिए चेंज कंटेंट वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. और यहाँ पे हमने वैसे ही किया है, ऊपर हमने वेब पेज 3 ओपन किया है बटन के क्लिक इवेंट पे, तो उसके लिए हमें वो वाला फंक्शन डिक्लेयर करना जरूरी था. टू राइट डायनामिक कंटेंट टू अ चाइल्ड विंडो यू मस्ट असाइन अ सोर्स फाइल टू ईच फ्रेम ऑफ द फ्रेम सेट इवन दो यू आर डायनामिकली क्रिएटिंग द सोर्स फॉर एटलीस्ट वन ऑफ दिस दोस फ्रेम. यू विल नोटिस इन दिस एग्जाम्पल दैट वेब पेज 1.html इज असाइन टू टॉप पेज फ्रेम एंड वेब पेज 1.html मस्ट बी रियल फाइल ऑल्दो इट वोंट अपीयर इन द टॉप पेज फ्रेम बिकॉज द जावास्क्रिप्ट फंक्शन राइट द कंटेंट टू दैट फ्रेम. अभी इसमें एग्जाम्पल में आपने नोट किया होगा कि वेब पेज 1 जो असाइन किया है उसको टॉप फ्रेम कहा था हमने, और वो रियल फाइल जो होना चाहिए मतलब होना मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए. और उसके बाद द जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड इन हेड टैग इज कॉल्ड व्हेन ऑन लोड इवेंट ऑकर द टॉप पेज चाइल्ड विंडो मस्ट बी ओपन बिफोर द जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन राइट टू द विंडो. तो जब हम चाइल्ड विंडो के अंदर अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले उसका उस चाइल्ड विंडो को हमें कॉल करना पड़ेगा जो टॉप पेज मतलब वेब पेज 1 HTML से हमें उसको कॉल करना पड़ेगा. नेक्स्ट. यू ओपन द चाइल्ड विंडो बाय कॉलिंग द ओपन फंक्शन. तो यहाँ पे हमने विंडो डॉट टॉप पेज डॉट डॉक्यूमेंट ओपन इस फंक्शन से उसको कॉल किया था. तो कॉल करने के बाद क्या हुआ, वो वाला विंडो यहाँ पे ओपन हुआ था. और उस विंडो को अगर हमें क्लोज करना है तो विंडो डॉट टॉप पेज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज इससे हम उसको क्लोज करेंगे. उसके अंदर अगर हमें आपको कुछ लिखना है तो राइट कमांड राइट मेथड राइट इन मेथड से आप उसके अंदर कंटेंट लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो. तो आप ये वाला पार्ट जो है इस तरह से आप उस वाले कंटेंट में आप वेब लिख सकते हो. नेक्स्ट. ओपन फॉर ओपनिंग द विंडो एंड क्लोज फॉर क्लोजिंग द विंडो. नाउ द लास्ट पार्ट इज द एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर चाइल्ड विंडो. यू कैन एक्सेस एंड चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट टू अनदर चाइल्ड विंडो बाय डायरेक्टली रेफरेंसिंग द एलिमेंट फ्रॉम विद इन यूर जावास्क्रिप्ट. आप उसका रेफरेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर उसका रेफरेंस दे दिया तो आप डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो. नॉर्मली रेफरेंस मतलब हाइपरलिंक आप देके भी सेट कर सकते हो. यू मस्ट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द फुल पाथ टू द एलिमेंट इन द जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट रेफरेंस द एलिमेंट. और हमें क्या करना पड़ेगा, फुल पाथ नेम देना पड़ेगा जिसको हम रेफर कर रहे हैं या फिर हाइपरलिंक कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ दिस वर्क. सपोज दैट अ बटन नेम वेब पेज 1 इज ऑन फॉर्म 1. फॉर्म 1 के ऊपर हमने एक बटन बनाया है वेब पेज 1 नाम का. लोकेटेड ऑन द वेब पेज दैट इज डिस्प्लेड इन द बॉटम पेज फ्रेम ऑफ द फ्रेम सेट. द ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज द लेबल ऑफ द वेब पेज 1 बटन. यू विल नीड टू स्पेसिफाई द फुल पाथ देन असाइन टेक्स्ट टू द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ अ वेब पेज एज शोन हियर. तो यहाँ पे क्या किया है कि एक बटन
एक बटन लिया है जिसका नाम वेब पेज वन है फॉर्म वन के अंदर, और उसके जैसे ही, और वो वेब पेज जो है वो बॉटम, उसको जैसे आप बोल सकते हो कि पेरेंट डॉट टॉप पेज डॉट फॉर्म वन वेब पेज वन डॉट वैल्यू, तो इस तरह से हम उसका जो जिसे हम एलिमेंट्स अगर एक्सेस करने हैं आपके, मतलब एलिमेंट्स मतलब उसके वैल्यूज अगर चेंज करने हैं, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स का मतलब क्या है, उसके एट्रीब्यूट उसके प्रॉपर्टीज वैल्यूज अगर चेंज करने, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पेरेंट डॉट टॉप पेज। पेरेंट मतलब जब भी हम चाइल्ड के रिलेटेड अगर कोई कोडिंग करते हैं तो उसके पहले पेरेंट आता है, पेरेंट है जिसका टॉप पेज उस डॉट फॉर्म वन, उस चाइल्ड के फॉर्म वन डॉट वेब पेज पे उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या चेंज की है, उसके कंटेंट चेंज किए हैं, न्यू लेबल, उसके चेंज करके कंटेंट हमने नाम किया, सेंड किया यहाँ पे न्यू लेबल। तो हम क्या करते हैं इस तरह से, आप जब भी आपको चाइल्ड विंडो के कोई कंटेंट्स के नाम एक्सेस करने या फिर उसकी प्रॉपर्टीज को अपडेट करना है, सेट करना है, तो उस टाइम पे आप हमेशा चाइल्ड विंडो पे क्या, उसका कोडिंग कैसे रहेगा, पेरेंट लिखना है सबसे पहले, और पेरेंट का नाम लिखना है, जैसे पेरेंट का नाम है यहाँ पे टॉप पेज, बॉटम के रिलेटेड अगर होता तो पेरेंट डॉट बॉटम पेज लिखते हैं आप, और फॉर्म वन फर्स्ट फॉर्म है तो फॉर्म वन लिखोगे, और उसका वेब पेज वन डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है जैसे आप बोल सकते हो नाम है, तो आप उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू सेट किया है यहाँ पे न्यू लेबल, तो आप उसकी वैल्यू की जगह पे उसकी हाइट विड्थ उसका कलर उसका बैकग्राउंड कलर, इस तरह से आप अलग अलग एलिमेंट्स की वैल्यूज भी आप सेट कर सकते हो। तो चाइल्ड की विंडो के रिलेटेड आपको अगर सेट करना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा पेरेंट डॉट टॉप पेज, तो आप इस तरह से आप बॉटम या टॉप पेज के कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हो और चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लुकिंग अहेड में इन शॉर्ट दिया है कि इन दिस चैप्टर यू लर्न हाउ टू बिल्ड अ जावास्क्रिप्ट दैट कैन इंटरैक्ट विद द चाइल्ड विंडो। तो यहाँ पे हमने इतना पढ़ा कि चाइल्ड विंडो कैसे क्रिएट करते हैं, ओपन और क्लोज से उसको ओपन और क्लोज करते हैं उसका कोडिंग, और राइट इन से उसके अंदर हम कमांड या फिर कोडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक वेब पेज के अंदर एक से ज्यादा फ्रेम्स बना सकते हो, एक से ज्यादा फ्रेम को फ्रेम सेट कहा जा सकता है, और जब मेन फ्रेम से आप कोई दूसरा फ्रेम कॉल करते हो तो मेन फ्रेम को आप पेरेंट कहा जाता है, और दूसरे नए क्रिएटेड विंडो को चाइल्ड फ्रेम कहा जाता है। ओके और चाइल्ड फ्रेम के थ्रू अगर आपको फोकस सेट करना है तो चेंज फोकस करके आप उसके तरफ आप फोकस सेट कर सकते हो। ओके देन चेंज कंटेंट इस फंक्शन को कॉल करके आप पेरेंट विंडो से चाइल्ड विंडो की तरफ आप जंप कर सकते हो, मतलब नेविगेट कर सकते हो, और चाइल्ड विंडो को आपको जो भी कोडिंग लिखना है सेम रहेगा, जैसे वेब पेज वन के लिए लिखा वैसे वेब पेज थ्री के लिए कोडिंग वगैरह रहेगा, बट सारे जो कंटेंट्स रहेंगे आपके विद इन द सेम डोमेन होने चाहिए, डिफरेंट डोमेन्स के कंटेंट्स आप उसमें एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आप डिफरेंट डोमेन के कंटेंट एक्सेस करोगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी एरर आता है। तो ये था आपका फ्रेम वाला चैप्टर, ठीक है। 2 मिनट आपको अभी लॉग आउट नहीं करना है, मैं आपके अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक मिनट।